तुम कैलाश तक नहीं जा सकते, मुझे वहां चलकर ही जाना होगा। देवी पार्वती नंदन को बस एक झलक देखकर शीघ्र ही लौटूंगा। स्वामी शनिदेव, ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे देवी पार्वती के पुत्र के जीवन पर कोई संकट आए। अपनी दृष्टि से उसे दूर रखिए। समस्त देव लोक आनंद पा रहा है उसे देखकर, केवल आप ही वंचित रह गए उसे ना देखकर। मेरी मात्र एक छोटी सी झलक पा लेने से उस दिव्य बालक को भला क्या क्षति पहुंच सकती है। क्या हुआ पुत्र? पता नहीं माँ, अचानक मेरे उदर में हलचल हो रही है। आपको तो भूख लगी है पुत्र, आपके जन्म से इतनी आनंदित हो गई कि आपको भोजन देना ही भूल गए। देवी कामधेनु, सभी देवियों को मेरा प्रणाम। कीर्तिदाये धर्मदाये नमो नमः। महादेव, आज हमारा पुत्र अपना प्रथम आहार पाने जा रहा है, आप कहाँ हैं स्वामी? मैं आपकी पीड़ा समझती हूँ देवी पार्वती, मैं भी यही मना रही हूँ कि मेरे स्वामी महादेव को शीघ्र ही लौटा लाएं। प्रभु भोलेनाथ इन पापी अधर्मी असुरों के मध्य रहने को बाध्य हैं, इसका दंड अवश्य दूंगा मैं इस गजासुर को। अपना क्रोध त्याग दो नंदी और इससे युद्ध के विचार को भूल जाओ, क्योंकि जो कार्य एक तिनके से संभव है उसके लिए खड़क उठाने की क्या आवश्यकता है। श्री हरि ने यह कैसा वेश धारण कर लिया? कैसा दिख रहा हूं नंदी में? प्रभु, मैं भोले बाबा का गण आपकी माया कैसे समझूं? मुझे तो बस इतना ज्ञात है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, जगत हित के लिए आप कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। प्रभु, जगत हित के लिए आज तुम्हें भी गाना होगा नंदी। आशा करता हूं कि तुम्हारा कंठ उतना ही मधुर है जितना कि तुम्हारा क्रोध। भोले बाबा के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार, कुछ भी। धन्य है आप प्रभु और धन्य है आपकी माया। भोले बाबा, आप शीघ्र लौट आइए, नहीं तो आपके मित्र विष्णुदेव न जाने मुझसे क्या क्या करवा लें। विष्णुदेव, नंदी के विपरीत कला तो मेरे कण कण में बसती है। प्रणाम देवी कामधेनु, आप तो सभी गौ की दिव्य माता हैं, जीवन की निरंतरता और समृद्धि की प्रतीक हैं। अपने पवित्र दुग्ध से मुझे अपने पुत्र की भूख मिटाने की अनुमति दीजिए। माता, आपने शुभ कार्य के लिए मेरा आवाहन करके मुझे कृतार्थ कर दिया।
चलिए ना। हाँ हाँ चलो। माता, आज मेरा दुग्ध आपके दिव्य पुत्र का आहार बनेगा। मैं धन्य हो गई। भविष्य में जब भी आपको मेरी आवश्यकता हो, आप निःसंकोच मेरा स्मरण कर लीजिएगा। अब मुझे आज्ञा दे माता। प्रतीत होता है पुत्र प्रेम में इतना रम गई देवी पार्वती कि ये भी भूल गई कि हम सब भी यहाँ हैं। पर इसमें उनका दोष नहीं, पुत्र प्रेम में माँ का रमना तो स्वाभाविक है। मेरे विचार से अब हमें इन दोनों को यहाँ पर एकाकी ही छोड़ देना चाहिए। आह कितना पावन, कितना उजला, मीठी सुगंध वाला ये दुग्ध अवश्य अत्यंत स्वादिष्ट भी होगा। आपको आपके पिता के समान शक्तिशाली बना देगा पुत्र। सच माँ? तो और पिलाइए ना। शीघ्र आपकी भेंट आपके पिता से होगी। अति उत्तम, तुम्हारा नृत्य अत्यधिक मनमोहक है सुंदरी। त्रिलोकी विजेता गजासुर तुम्हारे नृत्य से अत्यधिक प्रसन्न हुए। मदिरा, दुष्ट असुर शीघ्र मुक्त होंगे मेरे भोले बाबा तुम्हारे उदर से। स्वामी, आप? आप मेरा अपने पति चंद्र का तिरस्कार कर रही हैं? तिरस्कार? मैं आपका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं, किंतु आप हैं कि इस गीत में खोई हुई हैं। स्वामी, अपार सौंदर्य की धनी बालक ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया है। आप ही के समान अनुपम तेज से दमकता हुआ उसका मुखमंडल, आसमान में चमकती हुई सितारों की तरह उसकी नेत्र, उसकी सम्मोहित करने वाली मधुर मुस्कान, उसकी वाक्पटुता, उसकी कुशाग्र बुद्धि, सब अत्यंत मनमोहक है स्वामी। किंतु देवी, ये अद्भुत बालक है कौन? देवी पार्वती का पुत्र है स्वामी। आनंदित कर दिया है उसने हम देवियों को। ऐसा ही मनभावन मनोहर है वो। प्रतीत होता है स्वामी कि आयु में वृद्धि के साथ वो आपसे भी अधिक रूपवान और आकर्षक हो जाएगा। सभी देवताओं में सबसे सुंदर माना जाता हूँ मैं, किंतु एक बालक मुझसे भी अधिक सुंदर और मनोहर।
आश्चर्य। संध्या हो चुकी है, मुझे थोड़ी प्रतीक्षा करके रात्रि के अंधकार में छिपकर वहां जाना चाहिए ताकि कोई मुझे देख ना सके। रुको! तुम मेरी दृष्टि से कुछ भी नहीं छिपा है, मुझे सब ज्ञात है कि तुम कौन हो। अवश्य तुम ही हो हमारा विशेष मनोरंजन। तो विलंब क्यों, प्रारंभ करो। प्रकाश कहां से उत्पन्न हो रहा है? ओ, तो ये चंद्रदेव है। उचित था देवी रोहिणी का कथन, एक बालक का इतना दिव्य आकर्षक स्वरूप तो मैंने भी नहीं देखा था। चंद्रदेव, अपने प्रकाश को कम कीजिए, सोने दीजिए इसे। के भवन में मेरा प्रवेश तो अनुचित होगा, कदाचित मुझे पीछे से छिपकर जाना चाहिए और कक्ष में जाकर ढूंढना चाहिए माता पार्वती के पुत्र को। भला हो चंद्रदेव का, जिनका प्रकाश उसे ढूंढने में मेरा सहायक बनेगा। जीवन का विनाश होगा। कदाचित ये संकेत है, मुझे और आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मेरी दृष्टि से उसका अनिष्ट हुआ तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर सकूंगा। चलो, अपने हृदय को तो मना भी लूंगा, किंतु माता पार्वती के कोप से कैसे बचूंगा? कदाचित मैं व्यर्थ ही इतनी चिंता कर रहा हूं, दूर से बस एक झलक भर देख कर अपनी दृष्टि फेर लूंगा, बालक के निकट तक जाऊंगा ही नहीं। देखूं उसे
उसका मुख तो माता पार्वती के आंचल से छिपा हुआ है। संभव है, यही उचित हो। मेरी दृष्टि इस बालक को संकट में ही डालती, कदाचित नियति को भी यही स्वीकार है। शनिदेव, चंद्रदेव, कहाँ जा रहे हैं आप? अभी तो आपने उस बालक को ठीक से देखा भी नहीं। मैंने प्रयास तो किया चंद्रदेव, किंतु वो बालक अभी निद्रा में है। उसका मुख देवी पार्वती के आंचल से ढका हुआ है। उसे देखने के लिए उसकी निद्रा में विघ्न डालना तो उचित नहीं होगा, और वैसे भी मेरी दृष्टि तो अशुभ है। मेरी दृष्टि का दुष्परिणाम सर्वविदित है। अब वो निद्रा से जागृत हो चुका है, जलाशय के जल से क्रीड़ा कर रहा है। आप यही चाहते हैं ना कि आपकी दृष्टि उस बालक पर ना पड़े? तो मेरा प्रकाश जलाशय में उसका प्रतिबिंब उत्पन्न कर देगा, आप उसे ही देख लीजिए। इससे वो बालक आपकी दृष्टि से भी सुरक्षित रहेगा। क्षणिक देख के घुमा लीजिएगा अपनी दृष्टि, इसमें कहाँ घूमने वाली है सृष्टि। धन्यवाद चंद्रदेव, आपका यह सुझाव उचित है। उसका प्रतिबिंब देखने में तो मुझे कोई दुविधा नहीं होगी। जब शांत और स्थिर होगा तब तो इस बालक का स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकूंगा मैं। हाँ हाँ, अब उचित है। ने सत्य कहा था, कितना मनोरम रूप है इस दिव्य बालक का। इतनी मनोहर मुस्कान, मोतियों के समान चमकते दंत, नभ के तारों से टिमटिमाते उसके निर्मल नेत्र। अनुपम, अलौकिक है ये बालक। इसके अद्भुत रूप की एक झलक तो प्राप्त हो गई। कितना अनोखा दिव्य रूप है बालक का। किंतु एक झलक देखकर तो तृप्ति ही नहीं मिली। हृदय तो तभी तृप्त होगा जब पूर्ण रूप से देखूंगा मैं इस बालक को। Thank you.
ऋषि कैसा अनर्थ कर बैठा मैं,